Assalamualaikum everybody, welcome to Engineer Madhav of BMS. रिएक्शन खैर पहले भी हम देते थे बट वो ऑफ कैमरा होता था. हाँ, अब हम रिकॉर्ड करके अब लोग यही करते थे कि भाई व्हाट्सएप पे यूट्यूब का लिंक देते हैं, यार ट्रेलर चेक किया तुमने? अब मैंने बोला कि नहीं भाई, अब किसी का भी ट्रेलर आता है मैं कहता हूँ भाई देखो ये ट्रेलर आया, देखना नहीं है। तो फिलहाल ये कोई नया गेम रिवील कर रहे मार्वल वाले बाय द नेम ऑफ मिडनाइट सन्स. मार्वल के सबसे बड़े फैन यहाँ पे बैठे हैं. नहीं, सबसे बड़े तो नहीं कह सकते, मतलब एज कम्पेयर टू डीसी आप मार्वल की तरफ ज्यादा इंक्लाइन करते हैं. मैं एज कम्पेयर टू मार्वल लाइव एक्शन में मेरे ख्याल में ये बोलेंगे आप, वरना आपको भी पता है कि वी आर डीसी फॉर एवर भाई. बैटमैन के आगे कोई नहीं चलता, एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से चले ही भाई इसका ट्रेलर देखते हैं. देखें सामने को कैसा लगता है ये पहली दफा एक एनिमेशन में. अच्छा एनिमेशन बेस्ड नहीं कर रहे यार, एनिमेशन बेस्ड. अच्छा इसके ग्राफिक्स वो है अच्छा, और गेम है बेसिकली. अब देखते हैं कि भाई इन्होंने एनिमेशन टेक्सचर्स दिए सारे, कैसे टक्कर दे पाता है डीसी को. They conquered humanity's greatest evil. Oh, nice. Lay in rest. अच्छा ये बात वही है मार्वल की, आप लाइव एक्शन मूवीज भी देखेंगे ना, ये चीज मार्वल की है कि ये अपने एक्शन सीक्वेंसेस बहुत खूबसूरत बनाते हैं सारे ना. Then they vanquished threats from beyond our stars. And she lay in rest. She. मुझे स्कॉर्पियन लग रहा था. चीटिंग की जब बात करें तो तुम्हें याद है ना हमारी जो पुरानी बात हुई थी, डीसी कॉमिक्स पहले बने थे तो डीसी के ज्यादातर ओरिजिनल कैरेक्टर्स जो है वो मार्वल ने कॉपी की है. बिल्कुल स्टैनली को मतलब ठीक है मेरे ख्याल में उस वक्त सारी चीजों को इतने इसकी बड़ी सबसे बड़ी एग्जाम्पल शज़ाम का पहला नाम क्या था? कैप्टन मार्वल. अब आप देख लें शज़ाम का नाम पहले था कैप्टन मार्वल,
अब उसका नाम रख दिया शज़ाम, क्योंकि मार्वल के अंदर एक लड़की है सुपर हीरो जिसका नाम होता है पूरा पूरा कैप्टन, जिसे देखिए उसको पता होगा, उसके पता होगा, और सबसे ज्यादा लोगों को पता होगा, और ये तो इन लोगों को पता भी नहीं हुआ कि शज़ाम का पहला नाम कैप्टन मार्वल। अच्छा मजे की बात यही है कि जिन लोगों को हम लोगों ने, क्योंकि बचपन में काफी कॉमिक्स पढ़े हैं, मैंने कॉमिक्स नहीं पढ़े, मैंने गेम्स के ऊपर ज्यादा फोकस। कॉमिक्स के अंदर बेसिकली अगर आप में से कोई कॉमिक एंथुसियास्ट हो तो उसे ये चीज पता होगी कि डीसी के ज्यादातर कैरेक्टर्स बहुत पहले रिवील हुए, उनके कॉमिक्स बहुत पहले बन गए थे, और उसके बाद जब वो पॉपुलर होना शुरू हुए तो बेसिकली मार्वल में अपना स्टैनली साहब जो थे, इन्होंने बेसिकली उनके बिल्कुल समझ लिया, कुछ कैरेक्टर्स डिट्टो उठा गए, इवन कॉस्ट्यूम्स तक उनके एज सच कॉपी किए हुए, और फिर उसके बाद उसका नाम बदल के। अब मार्वल लकी इसलिए रहा है कि 2008 में जब पहली आयरन मैन की मूवी आई थी तो उसके बाद जो इन्होंने अपना एक सिनेमैटिक लाइन का जो एक कनेक्शन पूरा रखा ना, कनेक्शन दिया था, उसकी वजह से बहुत पॉपुलर हुए हैं, नो डाउट लाइव एक्शन के अंदर, बना एनिमेटेड मूवीज के अंदर, कॉमिक्स के अंदर, और इसी तरह पॉपुलैरिटी के अंदर, भले वो टॉयज की बात करें आप या कैरेक्टर्स की बात करें, डीसी बहुत बेहतर था कंपैरेटिवली इसके मार्वल के। और आज भी मेरे ख्याल में एनिमेटेड वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो उसमें डीसी 10 गुना बेहतर है मार्वल से। मुझे नहीं पता अगर आप में से किसी ने जस्टिस लीग वॉर, ये एक एनिमेटेड मूवी आई थी, और वॉर के बाद एनिमेटेड सीक्वेंस में इसी तरह जिस तरह मार्वल ने अपनी पूरी एक जो है ना टाइमलाइन बनाई थी, वॉर से एक टाइमलाइन हुई जिसका एंड हुआ था अपोकलिप्स वॉर के ऊपर, कॉन्स्टेंटीन उसके अंदर दिखाया, बिल्कुल। आप लिटरली वो देखें जस्टिस लीग की एनिमेटेड मूवीज, कमाल की मूवीज है, कमाल की स्टोरी लाइन है। आई थिंक वॉर्नर ब्रदर्स का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या जो भी उनके डिसीजन मेकर्स है ना, वो बेकार, सॉरी बट वो बेकार और अहमक लोग इसलिए हैं क्योंकि एनिमेटेड में इतनी जबरदस्त स्टोरी लाइन है, आप कुछ भी ना करें अपनी वही एनिमेटेड स्टोरी लाइन जो है ना उठा के उन पर जरा सा थोड़ा सा और काम करें, चेंज ना करें उन्हें एंटायरली, और उन्हीं पे लाइव एक्शन मूवीज बनाएं। कंपैरेटिवली मार्वल के बहुत हिट होती हैं, बहुत पॉपुलर होती हैं, बिसाइड्स द पीस ऑफ गार्बेज दैट यू प्रोड्यूस इन द नेम ऑफ पीवीएस, लिटरली यार आपने अपना पूरा फ्रेंचाइज तबाह कर दिया पीवीएस बना के, स्टोरी इतिहास से ज्यादा कचरा। डूम्सडे आप लिटरली एनिमेटेड उसका डूम्सडे देखिए, मूवी का डूम्सडे का कैरेक्टर डूम्सडे इतना जबरदस्त उन्होंने पिक्चराइज किया हुआ है एनिमेशन के अंदर और कॉमिक्स के अंदर, और अगर आप वही डूम्सडे आप मूवी लाइव एक्शन मूवी का देखते हैं तो लिटरली लुक्स लाइक अ यू नो इफ सम मॉन्स्टर निंजा टर्टल्स हैव डन समथिंग रॉन्ग विद अ लेडी एंड देन यू नो दैट लेडी प्रोड्यूस समथिंग दैट वाज काइंड ऑफ डूम्सडे। बिल्कुल मुझे मजा नहीं आता उनकी लाइव एक्शन देखने में, तो ये इसी वजह से बेसिकली मास्क को बहुत सारी चीजों में जो रिलेवेंस नजर आ रही है, जैसे हमने इवन एक पॉइंट पर तुमने वो बोला ना वुल्वरीन बैटमैन से मिल रहा है, उसके अलावा इन्होंने जो बेसिकली टूम था या कास्केट थी उसमें से जो लड़की निकाली वो किससे मिल रही थी, एंटर्स एग्जैक्टली वही ना, अच्छा हर चीज को देख पढ़े तो आपको और मुझे चीजें नजर आ रही है कि यार ये इसका कॉपी है, ये इसका कॉपी है। वहां पे डॉक्टर फेट नाम का एक वो है सॉर्सरर है, इन्होंने इवन डॉक्टर तो कॉपी की नाम चेंज कर दिया, यार कुछ हम स्ट्रेंज सा नाम रखते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर लाइफ सेवर। अब हाँ नहीं तो यार कसम से, इवन मजे की बात आप ये देखें कि अपना अगर आप स्टोरीज के हवाले से देखें तो बैटमैन क्योंकि एक बड़ा आइकॉनिक कैरेक्टर है डीसी का, मार्वल ने अपना जो आइकॉनिक कैरेक्टर बैटमैन की नेचर का रखा हुआ है वो अगर आपको थोड़ा सा रिजेम्बलेंस के हवाले से देखें तो वो है आयरन मैन। इसकी रीजन क्या है, दोनों का बैकग्राउंड ऐसे ही है, बचपन में वालदैन खो दिया दोनों ने ट्रेजेडी के अंदर, इसी तरह अपना दोनों के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी की बेसिस पे और पैसा, अपने पैसे की बेसिस पे, और हाँ दोनों जो है दे ग्रेट विद लेडीज। तो ये हाँ, लेकिन एक बात है, बैटमैन जो है वो काफी सारी औरतों में इंटरेस्टेड हो रहा है, लेकिन आयरन मैन कहता है कि नहीं एक के साथ तो टोनी स्टार्क जो है ना उसकी भी काफी सारियों के साथ है कॉमिक्स के अंदर, अगर आप कॉमिक्स ही पढ़े ना आप छोड़े इसको, तो टोनी भैया को शरीफ नहीं समझो तुम, हम बता रहे तुम, मतलब आप जैसे कहते हैं अंग्रेज हैं ये तो अंग्रेज अंग्रेज बने हुए अंग्रेज हैं ये लोग, एग्जैक्टली मनी टॉक बेबी वॉक्स नेशनल। तो चले फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।